मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी कभी दिग्विजय सिंह द्वारा दिया गया बयान या टिप्पणी राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर जाती है। पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सर संघ चालक सदाशिवराव गोलवलकर के बारे में दिग्विजय सिंह द्वारा कुछ ऐसा प्रचारित किया गया जो हिंदूवादी संगठनों को नागवार गुजरा। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि इंदौर में दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। उसी बात को लेकर राजगढ़ कोतवाली में भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। राजगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शुक्रवार को राजगढ़ SP को ज्ञापन सौंपते हुए दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्यवाही की गई। FIR पर विरोध जताया गया। पूर्व मंत्री एवं खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह द्वारा ज्ञापन के दौरान कहा कि क्षेत्र में हत्याएं हो रही हैं, डकैती हो रही है, बड़ी चोरियां हो रही हैं, वहां तो पुलिस का ध्यान नहीं है। राजनीतिक कामों को छोड़कर जनता के कल्याण हेतु जनसेवा और देशभक्ति का काम करिए। जिस मामले में इंदौर में FIR हो गई, उस मामले में बगैर कोई जांच किए कैसे दूसरी FIR दर्ज कर ली गई। जनता का काम करते दो चार चोरियां होती, चार पांच आदमी हेलमेट पहनते हैं, हाँ सारंगपुर में किसी की हत्या हो गई वो नहीं होती, कुछ ना कुछ डकैती हुई है, मचोर में हत्या हुई है वो नहीं, खिलचीपुर में चोरियां हो रही हैं आए दिन वो नहीं होती। थोड़ा पुलिस अगर इन सब राजनीतिक कामों की जगह थोड़ा ध्यान दे जनता के कल्याण के लिए, जन सेवा और देशभक्ति के प्रति आप अगर सजग हो तो ज्यादा उचित रहेगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।